हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्लास सिक्स का चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और आज मैं ये इसका दूसरा वीडियो बना रही हूँ। इसमें पहला सवाल है, व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज़ डेवलप। हड़प्पन सिटीज़ कब डेवलप हुई थी, हड़प्पन सिटी का विकास कब हुआ था, हड़प्पा के शहरों का विकास कब हुआ था। ऑप्शंस है, ए अबाउट 4700 ईयर्स अगो, बी अबाउट 3700 ईयर्स अगो, सी अबाउट 2700 ईयर्स अगो एंड डी अबाउट 1700 ईयर्स अगो। तो इन चार में से क्या सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन 4700 साल पहले हड़प्पा के शहरों का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू, बाय व्हाट नेम इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ कॉल्ड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज के समय में किस नए नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, वैली कल्चर एंड इंडस कल्चर। आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर है जिसकी खुदाई के दौरान पहचान की गई थी सैंधव सभ्यता के पहले शहर के रूप में, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, अ प्लेस वेयर सरप्लस ग्रेन वर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सरप्लस ग्रेन रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, वो क्या था। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टोरेज, बी वेयर हाउस, सी बास्केट एंड फोर ग्रेनरीज। और जैसा कि आपको पता है कि मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेनरीज रखे जाने के लिए जो स्टोर रूम होता है वो भी प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर फोर, कलर ऑफ फैंस वॉज रेड, ब्लू और सी ग्रीन, येल्लो एंड ब्लैक। येल्लो और ब्लैक, विल चेक द आंसर, ब्लू और सी ग्रीन। पांचवा सवाल है, हाउ मेनी स्टोरी ऑफ हाउसेज वेर जनरली फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले वीडियो में भी रखा था। ऑप्शन है, वन और टू स्टोरेज, फोर टू फाइव स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज और नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आता है वन और टू स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज द ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। ए अरब, बी इजिप्ट, सी इराक एंड डी ईरान। और सही जवाब है इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया। ये सवाल भी मैंने अपने पिछले वीडियो में रखा था, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब है पाकिस्तान। स्पिंडली वर्ल्स वर यूज्ड फॉर टू स्पिन थ्रेड मेकिंग द वेसल पॉलिशिंग द बीड्स ऑल ऑफ दीज। जो स्पिंडली वर्ल्स होते थे, यानी कि चरखी जिसको कहते हैं या कतली जिसे कहते हैं, वो किस काम आती थी, धागे को स्पिन करने के लिए या कि बर्तन बनाने के लिए या कि बीड्स को पॉलिश करने के लिए या इन सभी कार्यों में उसका इस्तेमाल होता था। आंसर है टू स्पिन थ्रेड, थ्रेड को स्पिन करने में इसका इस्तेमाल होता था। वेयर डिड द क्राफ्ट पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्लीस्ट सिटीज़। जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अर्लीस्ट सिटीज़ में क्राफ्ट्स का निर्माण कहाँ पे करते थे। ऑप्शन ए इन देयर ओन होम्स, ऑप्शन बी इन स्पेशल वर्कशॉप, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि वो क्राफ्ट का निर्माण करने के लिए अपने घरों का भी इस्तेमाल करते थे, यानी वो अपने घर में भी क्राफ्ट बनाते थे और उसके लिए स्पेशल वर्कशॉप भी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर टेन, हु डिस्कवर्ड द सिटीज ऑफ मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए के बी दयाराम, ऑप्शन बी एस बी दयाराम, ऑप्शन सी टी बी दयाराम एंड ऑप्शन डी आर डी बैनर्जी। और सही आंसर है आर डी बैनर्जी। तो आज की क्लास में इन्हीं 10 सवालों को मैं रखूंगी और अगले रिवीजन सेशन के लिए मेरे अगले वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।